हाय गाइस, गरिमा दिस साइड। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऑफिस मेकअप लुक। बहुत सिंपल सा, बहुत सटल सा मेकअप हम बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट के साथ कैसे कर सकते हैं वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो पूरा वीडियो देख के अगर आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। हे गाइस, सबसे पहले हम लोग लेंगे यहाँ पर लैक्मे का सन एक्सपर्ट। एज यू नो कि सनस्क्रीन लगाना सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। आप सनस्क्रीन लगाना स्किप कर ही नहीं सकते हैं। अगर आपने सनस्क्रीन नहीं लगाया तो आपके फेस में बहुत टैन हो जाएगा। इसको सिक्योर रखने के लिए सनस्क्रीन लगाएं अच्छे से। इसके बाद यहाँ पर मेरे पास बहुत सारी बीबी और सीसी क्रीम है। आप जो भी प्रेफर करते हैं, बीबी क्रीम या सीसी क्रीम, आप वो लगाएं। मैं यहाँ पर आज ट्राई करके दिखा रही हूँ आपको ये गार्नियर का सीसी क्रीम। इसको हम अच्छे से डॉट डॉट की हेल्प से अपने पूरे फेस पर लगा लेंगे। आपको अच्छे से लगाना है, इसको अच्छे से अप्लाई करना है। और हम नेक पर भी लगा लेंगे, फेस पर और नेक पर। इसके बाद अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। हमारे पास यहाँ पर दो ब्रश हैं, ब्लेंडिंग ब्रश। आप इसको अपने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसको अपने फिंगर की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं ब्रश की हेल्प से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। ये उससे भी अच्छे से ब्लेंड हो रहा है, बट आप इसको फिंगर की हेल्प से भी कर सकते हैं अगर आपके पास कोई भी ब्रश या ब्यूटी ब्लेंडर अवेलेबल नहीं है तो। इसके बाद यहाँ पर हम लैक्मे एब्सोल्यूट का एक कॉम्पैक्ट लेंगे। कॉम्पैक्ट लगाना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि इससे हम अपने बेस को सेट कर लेते हैं, और अगर बेस सेट नहीं होगा तो मेकअप अच्छा लगेगा ही नहीं। इसीलिए हमें अपना बेस सेट करने के लिए कॉम्पैक्ट चाहिए होता है। आप अपने स्किन टोन के हिसाब से अपने कॉम्पैक्ट ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक्चुअली पर्सनली मुझे बहुत पसंद है ये ब्लश लगाना, इसलिए यहाँ पर मैं एक ये मैट ब्लश लगा रही हूँ। आप इसको लगा सकते हैं, इससे आपके जो आपके चीक्स हैं वो बहुत ही प्यारे दिखते हैं। ये बहुत एक अच्छा इंपॉर्टेंट स्टेप है, आप इसको फॉलो कीजिए। इसके बाद मैं यहाँ पे अपने आईब्रो इनको फिलिंग करूँगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत हाई कवरेज मेकअप नहीं है, तो हम जो अपना आईब्रो है उसको बहुत हल्का ही फिल करेंगे ताकि वो बहुत ज़्यादा मतलब उभरा हुआ ना लगे इसलिए। इसके बाद यहाँ पर मैंने काजल लिया है, ये है एस क्यू का काजल। काजल लगाना सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि आँखें हमारी बिना काजल के बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। ये वाला काजल मैंने purple.com से परचेज़ किया है। आप इसको हाईली रिकमेंडेड कर रही हूँ मैं, कि आप इसको प्लीज़ रिकमेंड कर रही हूँ कि आप इसको ट्राई कीजिए, बहुत ही बढ़िया काजल है। इसके बाद यहाँ पर मैंने NYV का लाइनर लिया है, ये भी बहुत प्यारा लाइनर है। आप इसको लगाइए, ये बहुत अच्छा दिखता है आपकी आँख पे और बहुत प्यारा भी लगता है। हमें बहुत ज़्यादा बड़ा और विंग लाइनर नहीं लगाना है, क्योंकि ये ऑफिस मेकअप लुक है, इसलिए हमने बहुत नॉर्मल सा लाइनर लगाया है। यहाँ मैंने ब्लू हेवन का मस्कारा लगाया है। इसके बाद यहाँ पर मैं अपने लिप पर लगाने वाली हूँ वेट एंड वाइल्ड की न्यूड पीच कलर लिपस्टिक। ये बहुत ही प्यारी और बहुत ही बढ़िया लिपस्टिक है, आप इसको ट्राई कीजिए, बहुत अच्छी। और ये आपके जो मेकअप को बहुत अच्छा एक लुक दे रही है। ये हमारा मेकअप लुक रेडी है। अगर आप मेरा हेयर स्टाइल भी देखना चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट करें और बताएँ, मैं आपको इसका भी हेयर स्टाइल भी बताऊँगी कि मैंने कैसे किया। ये मेरा मेकअप लुक एकदम रेडी हो चुका है।